नमस्कार दोस्तों, स्तुति इलेक्ट्रिक सेल्स एंड सर्विस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों देखिए, मेरे पास एक सुमित कंपनी का एक वाटी है, ये आप देख पा रहे हैं कैसा वाटी, एकदम हैवी ड्यूटी वाटी है। हमारा ये चार रिपीट वाला है, ये बेस वाला ऐसा खुलता नहीं है। अगर ये बेस खराब हो जाए तो वाटी डायरेक्ट फेंकना पड़ेगा। इसका बुश गया हुआ है, देखिए बुश भी गया हुआ है और प्लस इसका सॉफ्टिंग भी गया हुआ है। तो सॉफ्टिंग में बुश दोनों डालने वाले हैं। ये देखिए, इसे मैंने कपड़ा खोल दिया है। ये देखिए बुशियाल, देखिए कितने भयंकर आने पहुँच चुका है, ये एकदम पूरी तरह फट गया है। ये दोस्तों देखिए, हमारा जो बुश लगाने जा रहा हूँ मैं, एकदम अच्छी क्वालिटी बुश है, ये हमारा खुश कंपनी का बुश है। अगर आपको मंगाना हो तो आप भी ऑर्डर कर सकते हैं, मैं आपको भेज दूँगा। दोस्तों अगर बुश लगाना हो अपने को, ये वाला सीन लेना है, ये हमारा 098 का सीन है, ये बराबर साइज का रहता है। इसको निकालने में भी काफ़ी आसानी होगी और बुश ख़राब नहीं होगा। अगर आपको निकालना है तो आपको बम्बू रॉड होना चाहिए या फिर एक कप होना चाहिए। और दोस्तों मैं निकालूँ अपने कप के द्वारा, ये देखिए ऐसा रख दिए, इस तरह से ऐसा रख दिए फिर, और सीधा इसके फटका दे ऊपर से। ये देखिए हमारा बुश निकल गया है। देखिए बुश की हालत देखिए कितना भयंकर ख़राब हुआ है, ये कितना तेज आवाज़ करता होगा चलता होगा, तो एकदम जोरदार धमाकेदार आवाज़ करेगा, ये साथ साथ नीचे पानी भी गिरेगा। पहले बुश को लगाने से पहले इसको साफ कर दें। क्योंकि एक बार फिटिंग हो जाएगा तो साफ करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर इस तरह पकड़े और सीधा लगे इसके अंदर ठोक। दोस्तों जब भी बुश लगाएं, अगर आप बुश लगाएं खुश कंपनी का, तो जल्दी ख़राब नहीं होगा। जिस ग्राहक को लगा देंगे ग्राहक याद रखेगा, जल्दी ख़राब होएगा नहीं, इतना अच्छा बुश है। और ध्यान ये रखें कि आपका बुश कितना बाहर था कितना अंदर था, जितना है उतना रखें। हाँ ये देखिए जितना था उतना अंदर रख दिया, सेम सेम। और एक बात, आपने बुश डाल दिया है, बुश डालने के बाद में देखना कि सॉफ्टिंग कैसा है। अगर सॉफ्टिंग ख़राब है तो सॉफ्टिंग जरूर बदलें। अगर आपने सॉफ्टिंग नहीं बदला और खाली बुश डाल दिया तो क्या होगा, आपका बुश फिर से ख़राब हो जाएगा। तो जब भी आप सॉफ्टिंग डालेंगे तो बुश आपको डालना चाहिए, क्योंकि क्या होता है जब बुश ख़राब होगा तो सॉफ्टिंग ख़राब होता ही है साथ में। ऐसा कभी नहीं होता कि सॉफ्टिंग बचा रहे और ख़राब हो जाए। ये देखिए सॉफ्टिंग में काफ़ी खड्डा पड़ चुका है ये एक साइड से, अभी इसको डाल देंगे आप फिर से बुश उड़ जाएगा। ये देखिए हमारा नया सॉफ्टिंग है, ये गाड़ी करना है हमारा आटा छोड़ता रहता है। ये देखिए टाइट करेंगे, आराम टाइट करना है, कि हमारा जो नट है प्लास्टिक का है, अगर लगाएं टूट जाएगा ये। फिर देख लें कभी कभी क्या होता है, आप इस तरह करेंगे तो क्या होता है ये थोड़ा प्ले रहता है, अगर प्ले रहेगा तो वो बीच में वॉशर देना पड़ेगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर प्ले दिख नहीं रहा अभी, तो ठीक है देखता हूँ सेटिंग करके। अगर प्ले रहेगा तो डालेंगे वॉशर वहाँ भी। सिर्फ एक वॉशर लगाएं यहाँ पे, और वॉशर लगाएं फाइबर वाला, इसमें जो हरा वाला वॉशर आता है उन्हें लगाएं, लाल वाला एक आता है वो भी तो लगाएं। क्या होता है वो पानी पड़ेगा फूक जाएगा, और ये वाला फूकेगा नहीं। और दोस्तों देखिए एक वॉशर डाल दिया हमने, और फिर डाल दिया इसके अंदर, और फिर घुमा के देखें कहीं टच हो रहा है क्या। अगर टच हो रहा है सेटिंग करें। तो दोस्तों देखिए अभी घुमा रहा हूँ मैं, ये नीचे टच हो रहा है तो सेटिंग करें बराबर। अगर आपने डाल दिया वॉशर नया और बुश डाल दिया नया और सेटिंग बराबर नहीं किया तो भी बुश डालने कोई मतलब होगा नहीं। तो अगर बाहर बेड ऊपर नीचे रहेगा तो चलेगा ये, तो ऑपरेशन करेगा, ऑपरेशन करेगा तो बुश फिर से ख़राब हो जाएगा। इसलिए जब भी आप डालेंगे तो एकदम सेटिंग परफेक्ट रखें, जितना इस साइड ऊपर हो उतना उस साइड भी होना चाहिए, और ये ब्लेड भी जो है सेम सीध में होना चाहिए, यानी एकदम सेटअप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसा ऐसा हो, अगर ऐसा ऊपर नीचे होगा तो क्या होगा हमारा बुश फिर उड़ जाएगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि जब भी डालेंगे बुश तो एकदम सेम सेंटर में होना चाहिए दोनों साइड। अभी सेंटर में ये, इसमें एक वॉशर लगा देता हूँ मैं। ये देखिए बिल्कुल प्ले नहीं है। और एक बात है, अगर आपका डुप्लीकेट बुश रहेगा ठोकेंगे आप तो सिकुड़ जाएगा ये, और अच्छी क्वालिटी बुश मारेंगे तो सिकुड़ता नहीं है, आपको रिमेल की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें डाल दें ऑयल,
फिर अभी ये वहाँ से लगा रहे और भी, तो भाई सर इतना लगाए कि प्ले बिल्कुल खत्म हो जाए, प्ले होना नहीं चाहिए थोड़ा भी। दोस्तों प्ले बिल्कुल नहीं चाहिए, हाँ बिल्कुल ठीक है, ये देखिए थोड़ा ही प्ले नहीं है, कहीं कोई ऑपरेशन नहीं है, बिल्कुल एकदम चलेगा फर्स्ट क्लास है अभी। हाँ दोस्तों इस तरह से आप डाल सकते हैं बूस्ट सैपलिंग। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही दोस्तों बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह का उपयोगी वीडियो हर दिन लेके आते रहता हूँ। आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।